मुगलों के सामने खड़े होने वाली सबसे बड़ी जो ताकत थी वो हमारे युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। आप खुद कल्पना करो कि एक मामूली जागीरदार का बेटा जो कि शून्य से लेकर अपने स्वराज को आसमानों की ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, फिर चाहे वो मुगल हो, अंग्रेज हो, डच हो, पोर्चुगीज हो या फिर फ्रेंच हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का खौफ इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड तक उनके पराक्रम के कारण हिल चुका था, जिसका प्रमाण हमें खुद इंग्लैंड का एक न्यूज़पेपर देता है। जब छत्रपति शिवराय हयात थे यानी उन्हीं के कालखंड में, इंग्लैंड वालों ने द लंडन गैजेट नाम के अपने एक न्यूज़पेपर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक खबर छापी थी, जिसको देखकर और पढ़कर हम सब की छाती गर्व से फूल जाती है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि इंग्लैंड वालों ने शिवराय के बारे में क्या लिखा था। तो हमारी कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1617 में, जब शिवराय ने सूरत शहर पर दूसरी बार धावा बोला और सूरत शहर को लूट लिया। और अगर आपने मेरा सूरत शहर की पहली लूट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो जरूर देख लेना, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कैसे पहली बार शिवराय ने सूरत शहर को लूटा था। तो कैसे शिवराय ने सूरत शहर को दूसरी बार लूटा उसके मैं डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक वो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनेगा। अब ध्यान से समझना कि जब शिवराय ने लगातार दो बार सूरत शहर को लूटा, वहां पर गए, आक्रमण किया, लूट मचाई और जितने भी अधर्मी और करप्ट ट्रेडर्स और लोग थे सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा, बाकी आम जनता को उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी सूरत की आम जनता के अंदर एक डर सा बन गया था और बार बार ये अफवाह उड़ती रहती थी कि कभी भी शिवाजी महाराज आ सकते हैं और अपने मराठों के साथ हमें लूट कर मार कर चले जाएंगे। तो ये बार बार अफवाह उड़ती रहती थी। तो इस डर के संबंध में यानी कि इस घटना के संबंध में एक ब्रिटिश अधिकारी ने इंग्लैंड में पत्र लिखा था और इंग्लैंड वालों ने अपने न्यूज़पेपर द लंडन गैजेट में इस बात को कोट किया है। तो वो खबर कुछ इस प्रकार से थी कि जिसका पहला पैराग्राफ और उसकी भी कुछ लाइनें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस खबर में ये लिखा था, टू डेज सिंस वी रिसीव्ड लेटर्स फ्रॉम इंडिया रिटन बाय द इंग्लिश प्रेसिडेंट रिसाइडिंग एट सूरत हु एक्वेंस अस विद द डेली फियर्स दे हैव देयर फ्रॉम शिवाजी द रेबल हु हैविंग बीटन द मुगल इन सेवरल बैटल्स रिमेंस ऑलमोस्ट मास्टर ऑफ दैट कंट्री एंड टेक्स द बोल्डनेस टू राइट टू ऑल द यूरोपियन मिनिस्टर्स इन सूरत that if they refuse to lend him such and such immediate presents of money, which as he puts them would amount to vast sums, by way of contribution, he will return and ruin that city. तो इसका मतलब ये है, यानी कि वो लोग ऐसा लिख रहे हैं कि दो दिन हो गए, हमें भारत के सूरत शहर में रहने वाले हमारे एक ब्रिटिश अधिकारी का ये पत्र मिला कि सूरत शहर की आम जनता में ये डर का माहौल फैल चुका है कि कभी भी शिवाजी नाम का बागी आएगा, हमें लूट कर मार कर वापस चला जाएगा, जो कि एक ऐसा बागी है जिन्होंने मुगलों के सामने बहुत सारी जंग जीत ली है और उसकी प्रजा यानी कि उसके लोग उसे एक बहुत ही प्रेरणादायी राजा मानते हैं, और वही शिवाजी सूरत में रहने वाले यूरोपियन अधिकारियों को पत्र लिखने की हिम्मत भी रखता है, और अगर उसकी मांगे पूरी नहीं हुई यानी हमने उसको बहुत सारा धन, हीरे, जवाहरात, सारी अनमोल चीज़ें नहीं दी, तो बदले में वो हमारा पूरा शहर, सूरत शहर जलाकर, तबाह करके, लोगों को मारकर, लूटकर चला जाता है। कि आप खुद इमेजिन करो कि कितने डर का माहौल फैल चुका था कि हमारे सह्याद्री के शेर की दहाड़ इंग्लैंड तक पहुंच चुकी थी। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया वो कहीं से भी गलत नहीं था, क्योंकि अगर शत्रु आप ही के घर में घुसकर आप ही के ऊपर हिंसा कर रहा है तो आप उसको अपना गला नहीं दोगे, बल्कि तलवार की मुठ हाथ में लेकर हर हर महादेव की गर्जना करते हुए आप उसके ऊपर प्रहार करोगे, जिसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं, आत्मरक्षा। और आत्मरक्षा के लिए किया गया प्रहार कभी भी हिंसा नहीं होती, जो कि हमारा धर्म भी यही कहता है। चाणक्य ने भी यही कहा था, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम क्षमाचरित। तो ये था आज का हमारा छोटा सा एपिसोड, जो कि शिवराय की हिम्मत, संघर्ष और बुद्धिमता को समर्पित है।